हाँ भाई, तो पढ़ाई कैसा चल रहा है? बढ़िया। आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते रहिए और एनसीईआरटी के क्वेश्चन कीजिए, एग्जाम्पलर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कीजिए, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है और अभी इस टाइम का जितना यूटिलाइजेशन हो सकता है आप कीजिए। चलिए, तो आज हम शुरू करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। इसके पहले कुछ रिकैप कर लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ चुका है, ठीक है? चलिए, तो पैरोटिड ग्लैंड के डक्ट का नाम क्या है? एक्सटेंशन डक्ट। सब मेंडिबल या सब मैक्सिलरी ग्लैंड के डक्ट का नाम क्या है? वाटसन डक्ट। एंड सब लिंगुअल ग्लैंड के डक्ट का नाम क्या है? डक्ट ऑफ रिविनस। क्या है? डक्ट ऑफ रिविनस। उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल के फोर लेयर्स होते हैं, ठीक है? कौन कौन सा? एक तो होता है म्यूकोशा। म्यूकोशा के बाद क्या होता है? सब म्यूकोशा। सब म्यूकोशा के बाद क्या होता है? मस्कुलेरिस। मस्कुलेरिस दो तरह का होता है, मतलब मस्कुलेरिस दो लेयर में डिफरेंशिएट होता है। एक होता है इनर और दूसरा क्या होता है? आउटर। इनर कैसा होता है? सर्कुलर या लॉन्गिट्यूडनल। तो इनर होता है सर्कुलर। इनर कैसा होता है? सर्कुलर। और आउटर मस्कुलेरिस कैसा होता है? लॉन्गिट्यूडनल। एंड आउटर मोस्ट एलिमेंट्री कैनाल के लेयर का नाम क्या है? सेरोसा। क्या नाम है भाई? सेरोसा, ठीक है? ये सब हमने देखा था। स्टोमेक के वॉल में यही देखा था। उसके बाद स्टोमेक के म्यूकोशल लेयर में, स्टोमेक के म्यूकोशल लेयर में या इनर मोस्ट लेयर में ग्लैंडुलर सेल प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि म्यूकस नेक सेल। म्यूकस नेक सेल म्यूकस का सिक्रीशन करता है। चीफ सेल या जाइमोजेन सेल या पेप्टिक सेल। चीफ सेल या जाइमोजेन सेल या पेप्टिक सेल, ये सिक्रीट करता है क्या? पेप्सिनोजेन या प्रोरेनिन का। किसका? पेप्सिनोजेन या प्रोरेनिन का। उसके बाद पेराइटल सेल या ऑक्सेंटिक सेल। पेराइटल सेल या ऑक्सेंटिक सेल सिक्रीट करता है एचसीएल और कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। एचसीएल क्या करता है? इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिवेट करता है। इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिवेट करता है। जैसे पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है एससीएल और प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करता है एससीएल। उसके बाद हमने देखा था क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है? स्मॉल इंटेस्टाइन मेनली तीन कंपोनेंट में डिफ्रेंशिएट होता है। एक होता है ड्यूडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का तीन कंपोनेंट था, क्या क्या? ड्यूडेनम था, उसके बाद जेजेनम था, और ड्यूडेनम हो गया, जेजेनम हो गया और आइलियम हो गया। ये स्मॉल सी शेप्ड होता है। इसी में आके खुलता है क्या? लीवर, बाइल डक्ट और पेनक्रियाज। इसी में आके खुलता है किसमें? ड्यूडेनम में। उसके बाद जेजेनम देखे थे, जेजेनम के बाद हम आइलियम देखे थे। क्या देखे थे भाई? आइलियम देखे थे। स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल पे भी बहुत सारे ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होते हैं। उसके अलावा माइक्रोविलाई भी होता है। माइक्रोविलाई के कारण स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो जाता है। उसके बाद हमने देखा भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन ही पूरे एलिमेंट्री कैनाल में, स्मॉल इंटेस्टाइन ही ऐसा प्लेस है जहां पे फूड का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कंप्लीट होता है, ठीक है? यानी मेनली फूड का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है या उसका कंप्लीशन कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है वो लगभग 3 मीटर के आसपास होता है, जिसमें ड्यूडेनम 25 सेंटीमीटर, जेजेनम लगभग 1 मीटर और आइलियम लगभग 2 मीटर का होता है, ठीक है? उसके बाद हमने कट किया था किसको? स्मॉल इंटेस्टाइन को। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के हिस्टोलॉजी को अगर देखते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप के ग्लैंडुलर सेल प्रेजेंट होते हैं। कुछ एब्जॉर्प्टिव सेल भी प्रेजेंट होते हैं और वो एब्जॉर्प्टिव सेल डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। उसके अलावा कुछ ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं जैसे कि गॉबलेट सेल, ये म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं। उसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन में क्रिप्ट्स प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? म्यूकोसल लेयर में क्रिप्ट्स प्रेजेंट होता है, यानी बहुत सारे गड्ढा होता है ना, ये गड्ढा क्रिप्ट्स यानी क्रिवाइसिस प्रेजेंट होता है। इसमें जो सेल होता है ना, ये सेल ग्लैंडुलर, ये सेल इंटेस्टाइनल ग्लैंड की तरह एक्ट करता है। किसकी तरह एक्ट करता है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड की तरह एक्ट करता है। और स्क्रिप्ट में जो सेल प्रेजेंट होते हैं और वो जो ग्लैंडुलर सेल की तरह एक्ट करते हैं उसको बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लीवरकून। क्या कहते हैं? क्रिप्ट ऑफ क्रिप्ट ऑफ लीवरकून कहते हैं। और ये क्रिप्ट ऑफ लीवरकून क्या करता है? इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रीशन करता है। क्या करता है? इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रीशन करता है। क्या करता है भाई? इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रीशन करता है। कौन? क्रिप्ट एंड लीवरकून। और इसी क्रिप्ट एंड लीवरकून को क्या कहते हैं? इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहते हैं। उसके अलावा इसमें
म्यूकोसा के इपिथेलियल लेयर पे ना, म्यूकोसा के इपिथेलियल लेयर पे जो होता है बहुत सारा कॉल्यूमनर सेल होता है। क्या होता है? बहुत सारा कॉल्यूमनर इपिथेलियल सेल होता है। ये कॉल्यूमनर इपिथेलियल सेल में कुछ सेल खुद को मॉडिफाई करते हैं पेनेट सेल के जैसा। कैसा? पेनेट सेल, PENETH, इसमें कुछ हो सकता है पेनेट सेल। और ये पेनेट सेल क्या करता है? पेनेट सेल सिक्रीशन करता है किसका? लाइसोजाइम का। किसका सिक्रीशन करता है? लाइसोजाइम का सिक्रीशन करता है पेनेट सेल। और लाइसोजाइम के पास बैक्टेरियोसाइडल एक्टिविटी है, मतलब ये बैक्टीरिया को किल कर सकता है। उसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोसल लेयर में कुछ इंटेरो इंडोक्राइन सेल्स पाए जाते हैं। ये इंटेरो इंडोक्राइन सेल्स का काम क्या है? हार्मोन का सिक्रीशन करना। और ये इंटेरो इंडोक्राइन सेल्स हो सकते हैं एस सेल या CCK सेल। क्या क्या हो सकते हैं? एक तो हो सकता है एस सेल, दूसरा हो सकता है क्या? CCK सेल। CCK सेल क्या है? पॉलीसिस्टोकाइनिन सेल्स। और तीसरा क्या हो सकता है? के सेल्स, है ना। चलिए, एस सेल क्या करता है? सिक्रेटीन का सिक्रीशन करता है। और ये सिक्रेटीन क्या करता है? पेनक्रिएटिक जूस के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। उसके अलावा CCK, कॉलीसिस्टोकाइनिन, ये कॉलीसिस्टोकाइनिन हार्मोन का सिक्रीशन करवाता है। किसका? कॉलीसिस्टोकाइनिन हार्मोन का सिक्रीशन करता है, या CCK हार्मोन का सिक्रीशन करता है। और ये CCK हार्मोन क्या करता है? गॉल ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन रिलीज करवाता है। क्या करवाता है? गॉल ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। और गॉल ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है? बाइल जूस रिलीज होता है। क्या होता है? बाइल जूस रिलीज होता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था के सेल, और ये के सेल क्या सिक्रीट करता है? GIP हार्मोन सिक्रीट करता है। क्या करता है? GIP हार्मोन सिक्रीट करता है। और ये GIP हार्मोन क्या करता है? बीटा सेल से, पेनक्रियाज के बीटा सेल से इंसुलिन का सिक्रीशन करवाता है। किसका सिक्रीशन करवाता है? पेनक्रियाज के बीटा सेल से इंसुलिन का सिक्रीशन करवाता है। उसके बाद हमने देखा कि भाई जो भी इंटेस्टाइन में जो भी ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, वो सारे ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर कहाँ पाए जाते हैं? वो सारे ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं म्यूकोशा में या सब म्यूकोशा में। तो सारे ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं म्यूकोशा में। किसमें पाए जाते हैं? म्यूकोसल लेयर में पाए जाते हैं। लेकिन सिर्फ ड्यूडेनम के पास एक ऐसा ग्लैंड है जो सब म्यूकोसल लेयर में पाया जाता है। एक बार फिर से, ड्यूडेनम एक ऐसा रीजन है जहां पे ब्रूनर्स ग्लैंड पाया जाता है। कौन सा ग्लैंड? ब्रूनर्स ग्लैंड पाए जाते हैं ना। और ये ब्रूनर्स ग्लैंड पाए जाते हैं कहां पे? सब म्यूकोशल लेयर में। कहां पे भाई? सब म्यूकोशल लेयर में पाए जाते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड, ठीक है। ब्रूनर्स ग्लैंड कहां पाए जाते हैं? BRUNERS, ब्रूनर्स ग्लैंड। ये सब म्यूकोशल लेयर में पाए जाते हैं। और ये ब्रूनर्स ग्लैंड सिर्फ और सिर्फ कहां पे पाया जाता है? तो ये सिर्फ पाया जाता है ड्यूओडेनम में। कहां पाया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूओडेनम में। और ये ब्रूनर्स ग्लैंड सिक्रीट करता है क्या? बोलो, कल वाला क्लास याद है? ये ब्रूनर्स ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? ये ब्रूनर्स ग्लैंड सिक्रीट करता है एल्केलाइन म्यूकस। क्या सिक्रीट करता है? एल्केलाइन म्यूकस का सिक्रीशन करता है। और एल्केलाइन म्यूकस स्टोमक से आने वाले फूड को न्यूट्रलाइज करते हैं। और स्टोमक से जो भी फूड आ रहा है वो कैसा फूड आ रहा है? एसिडिक फूड आ रहा है। ये तो पता है ना क्यों एसिडिक है? बिल्कुल, क्योंकि स्टोमक में HCl का सिक्रीशन होता है। स्टोमक में HCl का सिक्रीशन कौन करता है? बोलो भाई, स्टोमक में HCl का सिक्रीशन कौन करता है? स्टोमक में HCl का सिक्रीशन कौन करता है? पेराइटल सेल करता है। कौन करता है? पेराइटल सेल या ऑक्सेंटिक सेल करता है HCl का सिक्रीशन। ये पेराइटल सेल या ऑक्सेंटिक सेल सिक्रीट करते हैं कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। एंड कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर का क्या फंक्शन है? तो कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर क्या फंक्शन है? विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और विटामिन B12 का क्या काम है? ये RBC के मैचुरेशन में वर्क करता है। किसमें वर्क करता है? RBC के मैचुरेशन में वर्क करता है। चलिए तो शुरू करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। क्या पढ़ेंगे आज? लार्ज इंटेस्टाइन। चलिए, लार्ज इंटेस्टाइन को बनाने का सिंपल सा एक तरीका है। एक डॉट देना है यहाँ पे, दूसरा डॉट देना है यहाँ पे, तीसरा डॉट देना है, और यहाँ पे
चौथा डॉट देना है इस दोनों के बीच में, पांचवा डॉट देना है। उसके बाद क्या करना है, इस डॉट को इससे मिलाना है, इसको इससे मिलाना है, इसको इससे मिला देना है, यहाँ पे सेमी सर्कुलर रिज बना देना है। बस देखो भाई यहाँ पे आ रहा है क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जब आता है ना तो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है। कैसे स्ट्रक्चर में, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर में ओपन हो जाता है और इस सैक लाइक स्ट्रक्चर से एक क्वाइल्ड ट्यूबुलर मस्कुलर स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होता है। कैसा, क्वाइल्ड ट्यूबुलर सर्कुलर मसल्स ओरिजिनेट होता है। ये हो गया अपेंडिक्स, क्या हो गया अपेंडिक्स, ठीक है। और फिर हम बनाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। चलिए तो ये हुआ लार्ज इंटेस्टाइन। देखो भाई लार्ज इंटेस्टाइन जो है ना वो शुरू हो जाता है कहां से, सिक्कम से। कहां से शुरू होता है, सिक्कम से। ये आ रहा है आइलियम, क्या है ये है आइलियम, ठीक है। तो ये हो गया आइलियम। आइलियम जहां पे खत्म होता है वहां से क्या शुरू हो जाता है, ये हो जाता है शुरू सिक्कम। ये हो गया सिक्कम, ठीक है। आइलियम जहां से खत्म होगा वहां पे क्या शुरू हो जाएगा, सिक्कम। ये जो सिक्कम है ना वो है लार्ज इंटेस्टाइन का बहुत ही छोटा सा पोर्शन है। इसका साइज बस लगभग 6 सेंटीमीटर के आसपास होता है। कितना होता है, 6 सेंटीमीटर के आसपास होता है। आइलियम तक हमको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हो जाएगा, आइलियम तक स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हो जाएगा और फूड का फाइनल एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन कहां तक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के आइलियम तक होता है, ठीक है। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होंगे वो कहां पे आ गए, लार्ज इंटेस्टाइन में आ गए। तो अनडाइजेस्टेड फूड का फिर से स्मॉल इंटेस्टाइन में बैकफ्लो ना हो जाए। एक बार फिर से, लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी अनडाइजेस्टेड फूड आया ना उसका बैकफ्लो स्मॉल इंटेस्टाइन में ना हो, इसलिए लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में मतलब सिक्कम और आइलियम के बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट होता है। आइलियम और सिक्कम के बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट होता है। इस वॉल्व का नाम है आइलियोसिक्कल वॉल्व। क्या नाम है, आइलियोसिक्कल वॉल्व। ये वॉल्व का क्या फंक्शन है, तो आइलियोसिक्कल वॉल्व अनडाइजेस्टेड फूड को क्या, अनडाइजेस्टेड फूड के बैकफ्लो को प्रिवेंट करता है। मतलब एक बार अगर फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया तो उसका बैकफ्लो फिर से स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे बुक में लिखा हुआ है कि यहां पे आइलियोसिक्कल जंक्शन पे आइलियोसिक्कल वॉल्व तो प्रेजेंट होता ही है, लेकिन उसके अलावा एक आइलियोसिक्कल इंस्फिंक्टर भी प्रेजेंट होता है। ये आपके नोट्स में मैंने मेंशन कर दिया है। तो यहाँ पे आइलियोसिक्कल वॉल्व और आइलियोसिक्कल स्फिंक्टर दोनों प्रेजेंट होता है, ठीक है। इंस्फिंक्टर क्या करता है, कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है कि कितना फूड, कितना मटेरियल आइलियम से सिक्कम में जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन आइलियोसिक्कल वॉल्व क्या करता है, तो आइलियोसिक्कल वॉल्व सिक्कम से बैकफ्लो ऑफ फूड को क्या करता है, प्रिवेंट करता है कि अगर फूड एक बार सिक्कम में आ गया तो वो फिर से आइलियम में ना जा पाए, ठीक। चलिए इसी सिक्कम में, ये जो है ना सिक्कम, इस सिक्कम से एक ओरिजिनेट होता है ट्विस्टेड राउंडेड मसल्स ओरिजिनेट होता है। इस ट्विस्टेड राउंडेड मसल्स को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स या वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। तो मैं अभी बस अपेंडिक्स लिख देता हूं, ठीक है। ये हो गया अपेंडिक्स, सही है। ये अपेंडिक्स वेस्टिजियल है लेकिन इसको सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन भी बोलते हैं बहुत सारे। आइए तो ये जो सिक्कम है ना इसके पास सिम्बायोटिक एसोसिएशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसके यहाँ पे सिक्कम में बहुत सारे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है भाई, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या करता है देखेंगे थोड़ी देर में। खैर अभी आगे आते हैं सिक्कम से। सिक्कम खत्म हो गया, सिक्कम के बाद शुरू होता है क्या, कोलन। क्या शुरू होता है, कोलन। ये लार्ज इंटेस्टाइन का मेनली तीन पार्ट होता है, कौन कौन सा, सिक्कम कोलन और रेक्टम। क्या क्या, सिक्कम कोलन और रेक्टम। तो सिक्कम के बाद क्या शुरू हो जाएगा,
कोलन। ये जो सिक्कम है स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर है, क्या है? स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर है। इसी सिक्कम के साथ सिम्बायोटिक मतलब बैक्टीरिया सिम्बायोटिकली एसोसिएट करके यहाँ पे रहते हैं सिक्कम में। अब आइए, सिक्कम से के बाद क्या शुरू हो जाएगा? कोलन। क्या शुरू हो जाएगा भाई? कोलन। तो ये हो जाएगा कोलोन, ठीक है। ये कैसा वाला कोलन है? ऊपर जाता हुआ कोलन है, इसलिए इसको बोलते हैं एसेंडिंग कोलोन। क्या बोलते हैं? एसेंडिंग एसेंडिंग कोलन, ठीक है। एसेंडिंग कोलन के बाद क्या हो जाता है यहां पे? ट्रांसवर्स कोलन। और ट्रांसवर्स कोलन के बाद क्या हो जाएगा? नीचे आता हुआ डिसेंडिंग कोलन। और डिसेंडिंग कोलन के बाद क्या हो जाएगा? सिग्मोइड कोलन। क्या हो जाएगा? सिग्मोइडल कोलन या सिग्मोइड कोलन, ठीक है। तो कोलन मेनली फोर पार्ट में डिफरेंशिएट होता है, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन एंड सिग्मोइड कोलन, ठीक है। अब हाँ भाई, इस सिग्मोइड कोलन के बाद जो भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है, यहां तक फिकस का प्रिपरेशन, फिकस का फॉर्मेशन हो चुका है, रेक्टम तक आते आते फिकस का फॉर्मेशन हो जाता है। फिकस मतलब एक्सक्रीटा, ठीक है, उसका फॉर्मेशन हो चुका है, इसको बोलते हैं रेक्टम। क्या बोलते हैं? रेक्टम, ठीक है। और रेक्टम में एक्सक्रीटरी मटेरियल, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, या इसको बोलते हैं फिसेस। क्या बोलते हैं? फिसेस कुछ देर तक स्टोर रहता है और इस ओपनिंग के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इस ओपनिंग को बोलते हैं क्या? एनस। क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं एनस, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में ये सेगमेंटेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये मस्कुलर मसल्स है, जो स्मूथ मसल है, ये थोड़ा सा सेगमेंटेड दिखाई दे रहा है। इस सेगमेंट को बोलते हैं क्या? बोलते हैं हॉस्ट्रम। क्या बोलते हैं? हॉस्ट्रम। क्या कहते हैं? हॉस्ट्रम, ठीक है। तो ये हो गया हॉस्ट्रम। ये तो ये सब चीज आप ध्यान में रखेंगे। आया समझ में? कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है? अब देखो भाई, सिक्कम में क्या प्रेजेंट होता है? तो सिक्कम में प्रेजेंट होता है, सिक्कम क्या है? छोटा सा स्ट्रक्चर है 6 सेंटीमीटर का। इसमें सिम्बायोटिक बैक्टीरिया एसोसिएट करके रहते हैं, और ये बैक्टीरिया ह्यूमन के लिए प्रोड्यूस करते हैं, हमारे लिए प्रोड्यूस करते हैं क्या? अच्छा, इस रेक्टम को या एनस वाले पोर्शन को भी जूम करके देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे दो तरह का इंस्पिंक्टर होता है, जो इंटरनल इंस्पिंक्टर होता है ना, वो इनवॉलेंट्री होता है, जबकि एक्सटर्नल इंस्पिंक्टर होता है वो इंटरनल इंस्पिंक्टर होता है वो इनवॉलेंट्री होता है। इनवॉलेंट्री क्यों? क्योंकि वो स्मूथ मसल का बना होता है। और एक्सटर्नल इंस्पिंक्टर जो होता है वो वॉलेंट्री होता है, क्योंकि वो स्केलेटल मसल का बना होता है। अभी देखते हैं यहाँ पे थोड़ी देर में, ठीक है। अब आओ भाई, यहाँ पे सिक्कम में सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं हमारे लिए? बहुत सारे विटामिन का प्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं? विटामिन का प्रोडक्शन करते हैं। कौन कौन सा विटामिन? तो विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B12, बायोटीन और विटामिन K का प्रोडक्शन करते हैं। कौन? ये जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं ना सिक्कम में, वो विटामिन B1, B2, B12, बायोटीन और विटामिन K, ठीक। चलो, ये यहां तक पूरा इमेज क्लियर है। ये आपको आइडियोसिकल वॉल्व याद रखना है, आइडियोसिकल वॉल्व का फंक्शन याद रखना है, ठीक है। असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, हॉस्ट्रम क्या होता है ध्यान में रखना है, जो सेगमेंटेड स्ट्रक्चर होता है ना लार्ज इंटेस्टाइन पे, उसको क्या बोलते हैं? हॉस्ट्रम बोलते हैं। डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइडल कोलन, उसके बाद रेक्टम, वहां पे एक्सक्रीटा या फिसेस कुछ देर तक स्टोर रहता है, और उसके बाद वॉलेंट्री मेथड से उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये जो बैक्टीरिया, जो सिक्कम होता है ना, उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है भाई? बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, मतलब बैक्टीरिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके हमारे सिक्कम में प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या है भाई? इस बैक्टीरिया का फंक्शन क्या है? तो ये जो बैक्टीरिया है, ये कौन कौन से बैक्टीरिया हो सकते हैं? हो सकता है ये ई कोलाई प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? ई कोलाई बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। उसके अलावा कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है? स्ट्रेप्टोकोकस
फिकैलिस, कौन सा? स्ट्रेप्टोकोकस फिकैलिस, या तो इकोलाई प्रेजेंट होगा या स्ट्रेप्टो कोकस फिकैलिस, ये कैपिटल एस होगा, स्ट्रेप्टोकोकस फिकैलिस, ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ये बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में प्रोडक्शन करते हैं किसका? विटामिन B1 का प्रोडक्शन करते हैं, उसके अलावा विटामिन B2 का प्रोडक्शन करते हैं, विटामिन B12 का प्रोडक्शन करते हैं, उसके अलावा ये बायोटीन का प्रोडक्शन करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ बायोटीन का प्रोडक्शन करते हैं, उसके अलावा ये प्रोडक्शन करते हैं विटामिन के का। ये विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो मेरा रिक्वायरमेंट विटामिन के का पूरा कौन कर देता है? ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया या इकोलाई बैक्टीरिया, ये विटामिन के का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है? विटामिन के हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चलिए बताइए विटामिन के इंपॉर्टेंट है क्यों? विटामिन के इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए क्यों? क्योंकि विटामिन के नहीं रहेगा तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा। विटामिन के किसमें हेल्प करता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है? किसमें हेल्प करता है भाई? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है विटामिन के। ये विटामिन के क्या करता है? विटामिन के प्रेजेंस में लीवर में, कहां पे? विटामिन के प्रेजेंस में हमारे लीवर में बनता है क्या? प्रोथ्रोम्बिन। क्या बनता है भाई? प्रोथ्रोम्बिन। ये क्लॉटिंग फैक्टर है प्रोथ्रोम्बिन। अगर ये प्रोथ्रोम्बिन बन गया तो फिर ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा, ठीक है? तो विटामिन के अगर नहीं बनेगा हमारे लीवर में बनता है विटामिन, सॉरी हमारे लीवर में बनता है प्रोथ्रोम्बिन, और प्रोथ्रोम्बिन किसके प्रेजेंस में बनेगा? तो प्रोथ्रोम्बिन बनता है विटामिन के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में बनता है? विटामिन के प्रेजेंस में। आया समझ में? अब देखो भाई होता क्या है, अगर आप एंटीबायोटिक लेते हैं, कोई डिजीज हो गया और एंटीबायोटिक ले रहे हैं, तो जो हार्मफुल बैक्टीरिया है, जो पैथोजन है, वो तो किल होंगे ही, साथ ही साथ ये यूजफुल बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस फिकैलिस और इकोलाई बैक्टीरिया, इनका भी डेथ हो जाता है या हो सकता है। इसलिए डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है कि आपको इस एंटीबायोटिक के साथ क्या लेना चाहिए? मल्टीविटामिन लेना चाहिए। ये मल्टीविटामिन हो सकता है कोबाडेक्स, हो सकता है बीकोसोल, हो सकता है A to Z, है ना? मल्टीविटामिन डॉक्टर्स देते हैं। अब पता चला क्यों देते हैं? क्योंकि अगर यूजफुल बैक्टीरिया डेड हो जाएगा तो आपके अंदर ये सारे विटामिन नहीं बनेंगे, ये सारे विटामिन नहीं बनेंगे तो एक दूसरा बीमारी और हो जाएगा। ऐसा समझ में? इसलिए मल्टीविटामिन डॉक्टर्स देते हैं। नेक्स्ट इस, और दूसरा तरीका है कि भाई आपको ना कभी भी एंटीबायोटिक खाना है तो डॉक्टर से बिना पूछे नहीं लेना चाहिए, है ना? प्रिस्क्राइब जो डॉक्टर करते हैं एंटीबायोटिक्स, और लॉन्ग टर्म तक आपको एंटीबायोटिक्स नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि लॉन्ग टर्म तक अगर आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो ये जो यूजफुल बैक्टीरिया है हमारे सिक्कम में प्रेजेंट, इनका क्या हो सकता है? डेथ हो सकता है, और विटामिन के का कमी होगा तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं करेगा, विटामिन B12 अगर नहीं होगा तो क्या होगा? फिर RBC का मैचुरेशन हमारा डिफेक्ट होगा। इसलिए ये सारे बैक्टीरिया भी हमारे, मतलब इकोलाई और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? विटामिन के याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। विटामिन के क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, और विटामिन के प्रेजेंस में क्या बनता है हमारे बॉडी में? प्रोथ्रोम्बिन। कहां पे बनता है? लीवर में बनता है। कहां पे बनता है? लीवर में बनता है, याद रहेगा। गुड। अब देखो भाई आपसे पूछ लिया जाता है फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है लार्ज इंटेस्टाइन का, फंक्शन क्या है लार्ज इंटेस्टाइन का, फंक्शन क्या है? तो यहां पे अनडाइजेस्टेड फूड में कुछ यूजफुल मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, जैसे वाटर प्रेजेंट होता है, कुछ एमिनो एसिड प्रेजेंट होता है, कुछ विटामिन्स प्रेजेंट होता है, और बाइल जूस प्रेजेंट होता है। इस बाइल जूस का, वाटर का, एमिनो एसिड का, इन कुछ विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन हो जाता है कहां पे? लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है? अब इन सारे मटेरियल्स में, जैसे कौन कौन सा मटेरियल हो गया? वाटर हो गया, एमिनो एसिड हो गया, तो कुछ विटामिन हो गया, और बाइल सॉल्ट हो गया या बाइल हो गया। इसमें से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन में? तो इन सारे मटेरियल में से सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होता है वाटर। इन सारे मटेरियल में से सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होता है वाटर। ऐसा समझ में? लेकिन अगर आपसे हम क्वेश्चन पूछते हैं कि वाटर का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां होता है,
वाटर का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? पहला ऑप्शन लार्ज इंटेस्टाइन, दूसरा ऑप्शन स्मॉल इंटेस्टाइन, तीसरा स्टोमेक और चौथा ओसोफेगस। आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो भाई, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहां पे होगा, तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहां पे होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्यों? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई है, माइक्रो विलाई है, जिसके कारण सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ गया है। समझ में आया? और लार्ज इंटेस्टाइन में ये कुछ भी, मतलब वाटर हो गया, अमीनो एसिड हो गया, विटामिन हो गया, बाइल हो गया, इन सब में से सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन किसका होता है? वाटर का होता है। लेकिन वाटर का एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा कहां होता है? तो ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। नहीं आया समझ में? आ गया, ठीक। उसके बाद दूसरा फंक्शन क्या हो जाएगा? तो लार्ज इंटेस्टाइन बहुत सारे बाइकार्बोनेट और म्यूकस का सिक्रीशन करता है। क्या सिक्रीट करता है भाई? बाइकार्बोनेट और म्यूकस का सिक्रीशन करता है। किस लिए सिक्रीशन करता है बाइकार्बोनेट और म्यूकस का सिक्रीशन? बाइकार्बोनेट और म्यूकस का सिक्रीशन करता है। क्यों? क्योंकि भाई ये जो एसिड, जो बैक्टीरिया है हमारे सिक्कम में प्रेजेंट, ये क्या किए हैं बैक्टीरिया? ये एसिडिफिकेशन कर दिए हैं फूड का, ठीक है, जो भी बाइल वगैरह है ना, मतलब उसका एसिडिफिकेशन कर दिए ये बैक्टीरिया। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए लार्ज इंटेस्टाइन में बाइकार्बोनेट और म्यूकस का सिक्रीशन होता है, ठीक है। उसके बाद और क्या दूसरा फंक्शन हो जाएगा? पहला फंक्शन हो गया कुछ वाटर, एमिनो एसिड, विटामिन और बाइल का एब्जॉर्प्शन होता है। दूसरा क्या हो गया भाई? बाइकार्बोनेट और म्यूकस का सिक्रीशन करता है। उसके अलावा क्या हो गया? उसके अलावा सुनो भाई, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में ना, ये तो बिलीरुबिन है, बिलीरुबिन क्या है? बाइल है, ठीक है, बिलीरुबिन क्या है? बाइल। इस बिलीरुबिन को लार्ज इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया होते हैं ना, कौन कौन से बैक्टीरिया? इकोलाई बैक्टीरिया और स्ट्रेप्टोकोकस, कौन सा? स्ट्रेप्टोकोकस फिकैलिस, ये बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस फिकैलिस और इकोलाई बैक्टीरिया मिलके इस बिलीरुबिन को चेंज करते हैं यूरोबिलिनोजेन में और स्टर्कोबिलिनोजेन में। किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं बिलीरुबिन को? किसमें कन्वर्ट करते हैं? यूरोबिलिनोजेन में, यूरोबिलिनोजेन में। और किसमें करते हैं? स्टर्कोबिलिनोजेन में कन्वर्ट करते हैं। यूरोबिलिनोजेन है, स्टर्कोबिलिनोजेन में कन्वर्ट करते हैं। और इसी यूरोबिलिनोजेन और स्टर्कोबिलिनोजेन के कारण जो स्टूल होता है, जो फिकस होता है ना, उसका कलर कैसा होता है? येलोइश ब्राउन होता है। कैसा होता है? येलोइश ब्राउन ऑफ फिसेस, ठीक है, स्टूल का कलर येलोइश ब्राउन होता है। किसके कारण? यूरोबिलिनोजेन और स्टर्कोबिलिनोजेन के कारण, ठीक है। और यूरोबिलिनोजेन, स्टर्कोबिलिनोजेन लार्ज इंटेस्टाइन में बना किसके कारण? इकोलाई और स्ट्रेप्टोकोकस फिकैलिस बैक्टीरिया के कारण। आया समझ में? और ये कन्वर्ट, मतलब यूरोबिलिनोजेन, स्टर्कोबिलिनोजेन किससे कन्वर्ट होकर बनता है? बिलीरुबिन से बनता है। और ये बिलीरुबिन बाइल है जो कहां पे सिंथेसाइज होता है? इसका सिंथेसिस होता है कहां पे? लीवर पे सिंथेसिस होता है। कहां पे सिंथेसिस होता है? लीवर पे सिंथेसिस होता है। आया समझ में? उसके बाद समझिएगा, इस लार्ज इंटेस्टाइन में ये जो बैक्टीरिया ना अपना एक्टिविटी करते हैं, किस पे? पेप्टाइड्स पे। किस पे? पेप्टाइड्स पे। अगर आप ज्यादा प्रोटीन ले रहे हैं या हेवी फूड ले रहे हैं जिसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, जैसे कि स्प्राउट्स वगैरह अगर आप ज्यादा खाते हैं ना, तो ये बैक्टीरिया उस पर एक्ट करते हैं। कौन बैक्टीरिया? इकोलाई और स्ट्रेप्टोकोकस फिकैलिस बैक्टीरिया उस पे एक्ट करते हैं। और बैक्टीरिया के कारण गैस प्रोड्यूस होता है। बैक्टीरिया के मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कारण क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में गैस प्रोड्यूस होता है। कौन कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है? हो सकता है ये अमोनिया, और हो सकता है ये H2S, ठीक है। और ये लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया के मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कारण, एक बार फिर से, लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया के मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कारण अमोनिया और H2S गैस प्रोड्यूस होता है, जो एक साथ मिलकर रोटेन एक कप
रोटेन एक जैसा स्मेल करता है, ठीक है, और बैक्टीरिया के मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कारण, ड्यू टू मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, अमोनिया और H2S गैस का प्रोडक्शन होता है और इसके कारण फ्लैटस होता है, क्या होता है, फ्लैटस होता है, ठीक है, फ्लैटस होता है, या इसी को बोलते हैं क्या, इंटेस्टाइनल गैस का प्रोडक्शन होता है, इंटेस्टाइनल गैस का प्रोडक्शन होता है। तो इंटेस्टाइनल गैस में जो गंदा सा स्मेल होता है ना, वो किसके कारण होता है, अमोनिया और H2S के कारण होता है। आया समझ में? तो ये था पूरा कहानी किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का। एक छोटा सा कहानी और देखते हैं, चलिए, रेक्टम है ना, देखो भाई ये हो गया रेक्टम, रेक्टम के पास दो इंस्फिंक्टर होता है, ये हो गया इंटरनल इंस्फिंक्टर, क्या हो गया, इंटरनल इंस्फिंक्टर और इंटरनल इंस्फिंक्टर, और ये क्या हो गया, एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर, ठीक है, और ये हो गया एनस, ये हो गया एनस और ये हो गया रेक्टम और ये हो गया इंटरनल इंस्फिंक्टर और ये हो गया एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर। चलिए भाई, रेक्टम तक फिसेस का फॉर्मेशन हो गया रहता है, ठीक है, उसके बाद उस फिसेस को बॉडी से बाहर निकालना होता है, ठीक है, एक्सक्रीटा, स्टूल इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको बॉडी से क्या करना होता है, बाहर निकालना होता है फिसेस को। तो सबसे पहले वो आपके रेक्टम में स्टोर हो जाता है, रेक्टम के बाद ये इंटरनल इंस्फिंक्टर को क्रॉस करके कहां तक पहुंच जाता है, एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर तक पहुंच जाता है। ये इंटरनल इंस्फिंक्टर जो है ना, इंटरनल इंस्फिंक्टर ये इनवॉलेंट्री होता है, क्या होता है भाई, ये इनवॉलेंट्री होता है, क्यों इनवॉलेंट्री होता है, क्योंकि ये स्मूथ मसल से बना हुआ है, स्मूथ मसल से बनने के कारण ये क्या होता है, इनवॉलेंट्री होता है, स्मूथ मसल से बनने के कारण इंटरनल इंस्फिंक्टर क्या होता है, इनवॉलेंट्री होता है, ठीक है। तो ये क्रॉस करके आके होल्ड हो जाता है कहां पे, एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर के पास, एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर जो है ना ये वॉलेंट्री होता है, क्या होता है, ये वॉलेंट्री होता है, क्यों वॉलेंट्री होता है, क्योंकि ये स्केलेटल मसल्स का बना होता है, स्केलेटल मसल्स का बना होता है, ठीक है। तो अपने विल के अकॉर्डिंग एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर को पर्सन ओपन करता है, मैमल्स ओपन करता है और फाइसेस को रिलीज कर देता है बाहर, आया समझ में। तो दो तरह का इंस्फिंक्टर होता है, इंटरनल इंस्फिंक्टर क्या होता है, इनवॉलेंट्री होता है, और एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर क्या होता है, वॉलेंट्री होता है। ये सब चीज क्वेश्चन यहां से आते हैं कुछ, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन याद रखिएगा, बैक्टीरिया कहां पे सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड रहता है, सिक्कम में एसोसिएटेड रहता है, सिक्कम और आइलियम के बीच में कौन सा वॉल प्रेजेंट होता है, आइलियोसिकल वॉल प्रेजेंट होता है। वॉल्व का क्या फंक्शन है, तो वॉल्व का फंक्शन है बैक फ्लो ऑफ फूड को प्रिवेंट करना, बैक फ्लो ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड को प्रिवेंट करना, कि ताकि वो फिर से आइलियम में ना चला जाए। उसके बाद फंक्शन ऑफ आइलियम याद रखेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन का सारा कंपोनेंट याद रखेंगे, अपेंडिक्स कहां से ओरिजिनेट हुआ है, तो अपेंडिक्स ओरिजिनेट होता है कहां से, सिक्कम से ओरिजिनेट हुआ है, कहां से, सिक्कम से ओरिजिनेट हुआ है। तो ये सब चीज आप याद रखेंगे। यहां तक अगर आपको टॉपिक समझ में आया तो इसको पढ़िए और एनसीईआरटी का एक बार क्वेश्चन देख लीजिए पूरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप बनाइए, कुछ भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।